ओके, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। तो सबसे पहले अगर अपने को, अब ध्यान से सुनना, आज की क्लास बेसिक है वरना आज का नहीं समझ में आया तो घूमते रह जाओगे फिर, राइट। सबसे पहले अगर अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को, तो मैं यहाँ पर एक पार्टी हूँ, दूसरी पार्टी आप लोग सब हो, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या दूंगी, ऑफर। सबसे पहला जो वर्ड आएगा अपना वो आएगा ऑफर, बाद में लिखना, पहले सिर्फ समझना ऑफर कि भाई अपन कोई भी बात करना चाहते हैं। तो उस केस में जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ये पेन 10,000 रुपीज में सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। सो ये मेरी तरफ से आपको क्या था, ऑफर, ऑफर जैसा लगा, राइट। सो इस केस में जब बात कर रहे हैं अपन क्लास में सीरियसली एकदम, कि आपको एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पूछा, राइट, कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं आपको ये पर्टिकुलर पेन 10,000 में सेल करना चाहती हूँ, तो क्या चीज कितने में सेल होगी, ये एग्जैक्टली बता दिया गया। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर। अब उस ऑफर की जब अपन बात करें तो आपकी इच्छा हो तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करो और नहीं इच्छा हो तो रिजेक्ट करो, राइट। अगर आपने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तब तो बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे ही नहीं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मुद्दा तब जागेगा जब आप सबसे पहले उस ऑफर को क्या करोगे, एक्सेप्ट, राइट। सो दैट्स योर सेकेंड पॉइंट। जैसे ही आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रॉमिस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दिया, आवाज आनी चाहिए, मैंने आपको क्या दिया, ऑफर, आपने क्या किया, एक्सेप्ट करते क्या बन गया, ठीक है। ऑफर देने वाली पार्टी कौन होगी, ऑफरर। ऑफर देने वाला कौन हुआ, ऑफर रिसीव करने वाला कौन हुआ, ऑफरी, रिसीवर नहीं, अब ये लॉ की लैंग्वेज चल रही है, ठीक है। सो ऑफर देने वाला कौन हुआ, आप वापिस से, ऑफर देने वाला ऑफर ऑफरर, ऑफर रिसीव करने वाला, ऑफरी, वंस अगेन, ऑफर देने वाला, ऑफर ऑफर रिसीव करने वाला, ऑफरी, ठीक है। सबसे पहले क्या देंगे, ऑफर, ऑफर, ऑफर को आप लोग क्या करोगे, ऑफर देगा जो क्या हम कहलाएगा, जो रिसीव करेगा वो, ऑफरी, उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते क्या बन गया वो, ऑफरी, प्रॉमिस। एनी डाउट, ठीक है। फिर प्रॉमिस के बाद अब हमने, तो जैसे आपने मेरी इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आपका पेन खरीद लेंगे, लेकिन आपके हाँ बोलने से क्या होता है, तो उसके लिए आप रिक्वायरमेंट क्या है, कंसीडरेशन, राइट, कंसिडरेश। अभी क्या है, एक साथ आपको पूरी लॉ तो नहीं पढ़ाई जा सकती, स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे, तो जितना पढ़ाया जाना उतना उतना समझते जाना, ठीक है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट तक खत्म हो गया तब सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी जितना पढ़ते जाना उतना उतना। कंसिडरेशन का अभी जो मतलब आपको समझना है वो सिर्फ इतना समझो, समथिंग इन रिटर्न। बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, लेकिन अभी जितना समझना है वो सिर्फ इतना सा है, कंसिडरेशन जो आपको बदले में दी जा रही है। तो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो मान लूंगी कि मैं, कि आप पेन ले ही लोगे, कुछ बदले में देना भी तो पड़ेगा, कोई टोकन अमाउंट 10,000 के, 1,500, बुकिंग बुकिंग कुछ तो देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, प्रॉमिस करते ही कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन जैसे ही आ गई वैसे ही वो प्रॉमिस क्या बन गया अपना, अग्रीमेंट। बन गया अग्रीमेंट, तो अपन अग्रीमेंट तक पहुंचे, अभी कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचे, ठीक। अग्रीमेंट के बाद जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे अभी इन्होंने बताया था कि अग्रीमेंट में एक पर्टिकुलर चीज का होना जरूरी है, और वो पर्टिकुलर चीज है आपकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो अग्रीमेंट में, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, अग्रीमेंट में होगी आपकी लीगल
एनफोर्सिबिलिटी, लीगल एनफोर्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जो भी अग्रीमेंट कर रहे हो उसमें आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को लीगली अप्लाई करना चाहते हो, इंटेंशन ये है आपका, राइट? तो जब लीगल इंटेंशन है तभी वो अग्रीमेंट आपका क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके अग्रीमेंट में लीगल इंटेंशन क्रिएट करने की इच्छा नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक? तो वंस अगेन राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देंगे? ऑफर को क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते क्या बनेगा? प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस में क्या ऐड करना जरूरी है? कंसिडरेशन। तो वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या ऐड करोगे? लीगल एनफोर्सिबिलिटी। तो उससे वो क्या बनेगा? लीगल एनफोर्सिबिलिटी। ई है ये, पूरा लिखना आप लोग तो, ठीक है? ये है बेटा कॉन्ट्रैक्ट तक की सिड्डी पूरी, ठीक? अब इसमें एग्जाम्पल बाद में लिखना, लिखने का समय सबको मिलेगा। इसमें अगर अपन बात करें ऑफर के केस में, आपके फादर ने आपको ऑफर दिया कि अगर आप सीए बन जाओगे तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा। ऑफर, इस केस में ऑफर था क्या? ऑफर था, यस मैम। आप लोगों ने 100% उसको क्या किया? एक्सेप्ट। क्या बन गया? प्रॉमिस। लेकिन कंसिडरेशन थोड़ी ना होगी उसमें, राइट? अब कंसिडरेशन भी ऐसे मान लेते हैं अपन कि भाई वो बाइक दिला दें ना बदले में, आप सीए बनने का प्रॉमिस कर दो बदले में वो बाइक दिला दें, तो ये कंसिडरेशन हो गई। कंसिडरेशन कुछ भी जो रिटर्न में कुछ भी मिल जाए, प्रॉमिस मिल जाए तो वो भी कंसिडरेशन, ठीक है? तो ये अग्रीमेंट बन गया। अब आप तो हो गए सीए में पास, पापा ने मना कर दिया, नहीं दिला दो बाइक, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आप उनको सीओ कर सकते हो क्या? इसमें एक वर्ड है आपके एस यू ई, सबको आता है सीओ, ये सबसे पहले सीखते हैं सब। तो सीओ करना मतलब किसी के अगेंस्ट में केस करना। तो आप पिताजी को केस कर सकते हो उनके अगेंस्ट में? नहीं, ये मत समझो कि पिताजी हैं, फिर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि उसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी कहाँ थी? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था क्या? नहीं था। आपने अपने दोस्त को बोला कि शाम को मैं देखो पार्टी दूंगा, बर्गर पार्टी करते हैं अपन शाम को आज, राइट? वो पहुंच गया, आप पहुंचे ही नहीं। अब वो पहुंच के आपको उसने फोन किया, बोले यार मैं तो आऊंगा नहीं, आपका दोस्त बोला ओके सी यू इन द कोर्ट, इज दैट पॉसिबल? नो मैम। व्हाई? बिकॉज देयर वॉज एब्सेंस ऑफ लीगल एनफोर्सिबिलिटी। तो अग्रीमेंट में क्या होना बहुत जरूरी है, तब वो क्या बन जाता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी घर पे बोलेंगे, जब तक बोलोगे नहीं तब तक एक तो नींद नहीं उड़ेगी और दूसरा याद नहीं होगा, तो दोनों ही काम करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी करना है, राइट? तो ये पूरी सिड्डी समझ में आई क्या? अब बना लो इस सिड्डी को, अब सेक्शन याद करवा देंगे अभी इसी वक्त। बात करने का टाइम नहीं है, 2 मिनट दिए बस ये लिखने के। नहीं बेटा कुणाल, लीगल एनफोर्सिबिलिटी पूरा लिखना, आधा अधूरा मत लिखना।
नेक्स्ट इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो है आपकी प्रोमिसर और प्रोमिसी. प्रोमिसर कौन हुआ? जो प्रोमिस कर रहा है. तो आपके और मेरे एग्जाम्पल में आई एम द प्रोमिसर और प्रोमिसी जिसको प्रोमिस किया जा रहा है. तो अपने एग्जाम्पल में प्रोमिसी कौन हुए? आप लोग. राइट समझ गए? प्रॉमिस करने वाला प्रोमिसर, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, दैट पर्सन इज प्रोमिसी. ठीक है, अब आते हैं अपन सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग पे. सेक्शन अपने को याद करना है, बहुत मुश्किल काम है, याद ही नहीं होते, बहुत सारे हो जाते हैं नंबर इनके. राइट, तो सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो याद करेंगे अपन. तो सबसे पहले आपका ये सारी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन गिवन है आपकी सेक्शन, सेक्शन टू में. ये तो सबसे बेसिक चीज थी बेटा. तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन गिवन है आपकी सेक्शन टू में. ठीक, आप टू को ही तो पढ़ रहे हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही तो पढ़ना चाह रहे हैं. तो आपके सबसे पहले ऐसे समझो सेक्शन, जैसे एक सेक्शन बनाया लॉ ने और उसमें अपन डिवाइड करते हैं ना, सब पॉइंट्स बनाते हैं, सब सब पॉइंट्स बनाते हैं. तो लॉ ने उसमें क्लॉज बना दिया. अल्फाबेटिकली जो लिखा जाता है ना, उसको अपन कहते हैं क्लॉज. और ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, कैपिटल में मत लिखना. तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? सेक्शन टू क्लॉज ए. राइट, यहाँ पे आप 2A 2B बोल सकते हो, बट एज अ लॉ स्टूडेंट, लॉ को अगर अपन समझते हैं तो बोलने का राइट तरीका यही होता है, सेक्शन 2 क्लॉज ए, कैपिटल में कभी मत लिखना. ठीक, सो सबसे पहले पहला काम क्या था अपना? ऑफर. तो उसका सेक्शन क्या हुआ? सेक्शन 2 क्लॉज ए. अब अपन ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट. सेक्शन 2 क्लॉज बी. एक्सेप्ट करते ही वो प्रॉमिस बन गया, तो ये भी इसी का पार्ट बना. एक्सेप्ट करते ही प्रॉमिस बन जाता है, तो ये भी बी का ही पार्ट बना. सी में आया आपका प्रोमिसर और प्रोमिसी की डेफिनेशन. ठीक, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? आवाज नहीं निकली. कंसिडरेशन. किस पे फोकस किया मैंने? ड पे. तो डी लिख दूं मैं इसके आगे? सेक्शन टू क्लॉज डी. कंसिडरेशन एड होते ही क्या बन गया? अग्रीमेंट. तो सेक्शन टू क्लॉज ई. ठीक, ई के बाद अब हम ये सारी अपनी इतनी बड़ी अपन ने सीढ़ी बनाई, इस सीढ़ी से अपन अपने घर पे पहुंचे. दिस इज आवर हाउस, जहां अपने को फाइनली पहुंचना था. राइट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का लिख लो आप सेक्शन 2H, बिकॉज दिस इज आवर होम, वी हैव रीच्ड. ई गायब है, एफ गायब है इसमें, एफ जी गायब है, वो बाद में आएंगे. ठीक है, हाँ, लीगल एनफोर्सिबिलिटी का कोई सेक्शन नहीं होता. लीगल एनफोर्सिबिलिटी फीचर है, ये वर्ब है, क्रिया है, तो ये करने का तरीका बताया है बस. ठीक, तो बीच में जो स्किप किए हैं वो बाद में आ जाएंगे. सारे भी सेक्शन नहीं रट सकते आप, ऐसा नहीं कि सारे रट बैठोगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अपन करेंगे. तो वंस अगेन, सबसे पहले विदाउट सीइंग ऑन द बोर्ड, क्लोज योर कॉपीज, बोर्ड पे मत देखना, मेंटेन योर ओन ऑनेस्टी. ओके, सबसे पहले क्या होगा? ऑफर. आप क्या करोगे उसको? एक्सेप्ट करते क्या हो गया? प्रॉमिस करने वाला कौन होता है? और जिसको प्रॉमिस करते वो कौन होता है? प्रॉमिसी. फिर उसके बाद में एक्सेप्ट कर, प्रॉमिस के बनते ही क्या होगा नेक्स्ट? कंसिडरेशन में ऐड क्या करेंगे? कंसिडरेशन बनते ही क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में क्या ऐड करोगे? लीगल एनफोर्सिबिलिटी से क्या बनेगा? ठीक है, तो वंस अगेन सेक्शन टू क्लॉज ए. ए में क्या है? बी में. वंस अगेन, ए में क्या है? ए में क्या है? ए में क्या है? ऑफर. बी में, बी में, बी में, बी में,
सेकंड वाला जो बी है दैट इज अ प्रॉमिस, ठीक है। सी में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, सी में क्या है प्रॉमिसर प्रॉमिसी, डी में क्या है, डी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, ई में क्या है, एफ नहीं जी, घर कहाँ पहुंचे हम, तो एच इज इसको पूरे को एक साथ रब करना हो तो क्लोज योर कॉपीज। सो वंस अगेन द फर्स्ट स्टेप इज लीगल इनफोर्सिबिलिटी का सेक्शन नहीं होता नितेश, दिस इज अ वर्ब। सो वंस अगेन फर्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज ए, ओके। ऑफर के बाद, ऑफर के बाद एक्सेप्ट का सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज बी, एक्सेप्ट होते क्या बना सेक्शन 2 क्लॉज बी। फिर प्रॉमिस के बाद कौन दो पार्टीज होंगी प्रॉमिस करने वाले, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन है, हु मेक्स द प्रॉमिस, और प्रॉमिसी टू हुम द प्रॉमिस इज मेड, सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज सी। फिर प्रॉमिस के बाद क्या होगा, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का क्या मीनिंग है, लिसन द क्वेश्चन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज डी। कंसिडरेशन के बाद अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज ई। अग्रीमेंट में क्या ऐड करेंगे, लीगल एनफोर्सिबिलिटी से क्या बनेगा, तो सेक्शन क्या होगा, अब बताओ क्या डाउट है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो हमने आज ही एक दिन में 6-7 सेक्शन याद कर लिए और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, आज पहले दिन शांति से पढ़े हो तो ये हो पा रहा है। अभी इवेंचुअली बातें करोगे, ये हर क्लास में ही होता है, इवेंचुअली बातें करते हैं, तो अगर विद इन द लिमिट बात होती है तब तो कंट्रोल कर लेते हैं, आउटसाइड द लिमिट बात होती है तो फिर सीधे इंस्टीट्यूट से बात हो जाता है, ठीक है। तो आई डोंट वॉन्ट कि दोनों में से कुछ भी हो, अपने अपन आज इंजॉय करके जैसे पढ़े वैसे अपन जितनी लॉ है पूरी ऐसे पढ़ सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली यू, तो ऐसे पढ़ेंगे अपन, यस और नो। आज तो फर्स्ट डे है, आज तो मुझे ट्रस्ट होगा नहीं, 8-10 दिन ऐसा कर लो फिर देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। सो ओपन योर बुक्स, यहाँ पे कैसे खोलूँ मैं, आ गया। पेज नंबर 1.3, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये डेफिनेशन, सेक्शन बता दिया था आप लोगों को, वही दे रखा है अंडर सेक्शन 2H, सेक्शन 2 क्लॉज एच। म्यूचुअल क्लास होने वाली है ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा आप मुझे सब पढ़ा देना, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूंगी, मिल बांट के सीए बनी जाओगे, है ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये डेफिनेशन, ये सेक्शन पढ़ चुके हैं अपन। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बेटा ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको, इसमें जो रटना है ना वो सिर्फ डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेक्शन और केस लॉ के थोड़े बहुत नाम बस, इसके अलावा बाकी पूरा 90% कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते। सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैसा अग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्सिएबल है। यही तो पढ़ा है अभी अपन ने थ्योरी में, जो अभी अपन ने सिड्डी बनाई थी इतनी सारी, उसमें सबसे पहले क्या बना अग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी थी तो वो क्या बन गया आपका। तो इज इट डिफिकल्ट टू लर्न दिस डेफिनेशन,
वॉट अगर वो आपसे पूछे वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट. प्रिपेयर हो गया अपना दो नंबर क्वेश्चन, आगे दो नंबर 60 में से ये आगे ठीक है. अब इन्होंने आगे यही समझा रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं, एक अग्रीमेंट और एक एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. अग्रीमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं. सबसे पहले तो डेफिनेशन सेक्शन देख लो इसका, यही था क्या सही पढ़ा था? ठीक है अब ये देखो डेफिनेशन. अग्रीमेंट बनाने से पहले क्या बनाया था अपन ने? प्रॉमिस बनाया था. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जिसमें कंसिडरेशन हो वो क्या कहलाती है? अग्रीमेंट. तो इसमें लॉ में क्या हर छोटी चीज समझाते हैं. जब इतना समझा रखा है तभी इतने लूप होल्स निकल गए. तो अगर इतना भी नहीं समझाते तो फिर होता तो अपने को ऐसा लगता है कि मैम सीधी बात को ऐसे घुमा के क्यों लिखा है. बट ये ऐसे ही जाएगा, डेफिनेशन ऐसे ही याद होगी. तो पहली लाइन दे रखी है इसमें एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब एक प्रॉमिस या एक से ज्यादा जिसमें क्या हो कंसिडरेशन वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट. एनी डाउट इन दिस डेफिनेशन? अब अग्रीमेंट होने से पहले क्या हुआ था? प्रॉमिस हुआ था. तो देखो प्रॉमिस की डेफिनेशन. तो कभी नहीं सोचा होगा कि इन चीजों की सबकी डेफिनेशन होती होगी. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. और वो proposal जब accept हो जाता है तो क्या बन जाता है? Promise. समझो promise बनाने से पहले अपन ने सबसे पहले क्या दिया था? Offer. Offer बोलो या proposal बोलो एक ही बात है. तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिसको proposal दिया गया वो क्या दे रहा है? अपनी कंसेंट. एक्सेप्ट कर रहा है ना, हाँ बोल रहा है. तो वो हाँ बोल रहा है तो प्रपोजल को अपन क्या माने? एक्सेप्टेड. और जब वही प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया जी? वही जो सिड्डी बनाई थी वही सब चीजें, उसी को घुमा फिरा के जितना लिख सकते थे वैसे लिखा है इन्होंने और कुछ नहीं. ठीक, तीन डेफिनेशन हो गई. पहली डेफिनेशन कौन सी पढ़ी? कॉन्ट्रैक्ट की. सेकेंड कौन सी बनी और थर्ड कौन सी पढ़ी? तीनों याद होंगी आज सबको. जितना मैं इसमें आप लोगों को पढ़ाऊं ना बस उतना ही पढ़ लेना, वो ही बहुत होगा. ऐसे तब करना होगा क्या इसमें? अगर नीचे जाना स्क्रॉल करना हो तो इसको नोट पे दिस वन सही है. अब ये रह जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा क्या? अच्छा ये सीधे ही हो गया, उसको यहाँ लाते. तो दिस इज अ न्यू लर्निंग इन दिस क्लास. ये उनको भी नहीं पता होगा, बता देना कल है ना. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अग्रीमेंट. सो अग्रीमेंट में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या होता है? ऑफर. उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट. उसमें क्या ऐड करते हैं? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. तो यही इतना ही याद करना है इसकी डेफिनेशन में. अब इसमें नेक्स्ट जो आपकी बात कर रखी है वो बात कर रखी है सेक्शन 2 क्लॉज एच में. कोई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन रिक्वायर्स एन अग्रीमेंट ऑफ केपेबल ऑफ बीइंग एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्सिबिलिटी है वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट. राइट, तो आपको डेफिनेशन वही याद करनी है जो सबसे पहले करी थी, तो वापस से लर्न मत करना. एग्जाम्पल देखो. A agrees with B to sell car for rupees 2 lakh to B. A ने B को कहा कि मैं अपनी कार आपको कितने में सेल करूंगा? 2 lakhs में. B ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया. तो here A is under an obligation to give car. A obligation है A का कि वो कार दे, और B का obligation क्या है कि वो क्या दे? 2 lakh rupees. And also B is under obligation to pay 2 lakh to A and A has right to receive 2 lakh. So, एक का obligation गाड़ी देना हो गया और दूसरे का obligation 2 lakh रुपए देना हो गया. तो ये आपस में क्या बन गया? Contract. ऐसा नहीं है मैं गाड़ी तो मैं ले लूँ 2 lakh रुपए ना दूँ.
आप अपना अग्रीमेंट पूरा करो, मैं अपना ना करूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब आइए डिफरेंस पे, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस पे। बस ये लास्ट चीज है, फिर फ्री कर देंगे आपको। सबसे पहले मीनिंग की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मीनिंग में आप डेफिनेशन लिख के आओगे, जो अभी अभी आपको याद कराइए, ये लिख लोगे। सेकंड, स्कोप, आपके हिसाब से बताओ कि अग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा है कि कॉन्ट्रैक्ट का ज्यादा है। हाउ मेनी फॉर अग्रीमेंट एंड हाउ मेनी फॉर कॉन्ट्रैक्ट? और रेस्ट ऑफ यू, जिस साइड हो जाए वही। ऐसा स्कोप हमेशा बेटा अग्रीमेंट का ज्यादा है। रीजन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में तो खाली लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाली चीजें आएंगी ना, जिसकी सिर्फ लीगल एनफोर्सिबिलिटी हो। बाकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी के अलावा, जैसे आपका वो बरगद वाला एग्जांपल दिया, वो अग्रीमेंट तो था ही, कॉन्ट्रैक्ट ना बन सका वो, राइट? सो इसमें लीगल और सोशल अग्रीमेंट दोनों आते हैं। सोशल अग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं कल लिखवा देंगे आप। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये नैरो सेंस में आता है, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट को ही इंक्लूड करता है। अब समझ में आया स्कोप किसका ज्यादा हुआ? एग्रीमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट का नैरो हो गया। अब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ से आता है ये सब? कहाँ से पढ़ लिया? पढ़ के आए हो क्या? अच्छा, यहाँ से पढ़ो। वाह वाह वाह। नेक्स्ट जो लाइन आ रही है आपकी, वो आ रही है ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात सही है क्या? सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ना? क्यों नहीं होते? क्योंकि सब में लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब अग्रीमेंट बनेगा। तो आपके इंडिविजुअली दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, एक्सप्लेन। तो पहले तो इसको बोलो हाँ ये पर्टिकुलर जो टर्म है वो सही है, फिर उसके बाद अग्रीमेंट को समझाओ, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझाओ, और फिर बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सिबिलिटी आती है तभी वो क्या बनता है? एक्सप्लेनेशन पूरा, राइट? डिफरेंस बिटवीन आया समझ में? एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑफलाइन वालों को है? ऑफलाइन वालों को तो लास्ट 5 मिनट में वैसे ही नहीं होगी, या तो बैग जम गए बोलते बोलते। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैम बंद हो वैसे भगे अपन। मैम इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट, ये जब तक यहाँ डाउट सॉल्व नहीं होंगे तब तक आपकी क्लास चलेगी, है ना? इफ कॉन्ट्रैक्ट इज अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी, then why not wider scope? Because contract only includes agreement. यशवर्धन ये कहना चाह रहा है कि contract में वही agreement आएंगे जिसकी legal enforceability होगी, तो limitation हो गई ना, agreement सिर्फ legal enforceability वाले आएंगे, वही contract बनेंगे। और agreement की जब अपन बात कर रहे हैं तो agreement तो legal भी होते हैं, social भी होते हैं, moral भी होते हैं, वो कल पढ़ेंगे अपन। तो वाइड स्कोप किसका हुआ? ज्यादा किसका हुआ? अग्रीमेंट का। ओके, एनी अदर डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑलराइट, सो वी विल वाइंड अप, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो। ये रिवाइज करके आएंगे, याद करके आएंगे। आई एम गोइंग टू आस्क द डेफिनेशंस। ओके, थैंक यू।